अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिजी स्किल में बैच 7 के लिए इनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। तो आपने जोन जोन से कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं वो अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको कौन सी प्रॉब्लम पेश आएंगी, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक डिजी स्किल का अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाली वीडियो देखकर आप अकाउंट क्रिएट करना, उसकी वेरिफिकेशन करना सीख जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप अपने डिजी स्किल के अकाउंट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर इनरोलमेंट बैच 7 लिखा हुआ है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ कोर्सेज आपके सामने मौजूद हैं, कोर्सेज हैं और कितने वीक में होना है, तमाम के तमाम 12 वीक में ही है, और कौन कौन से टीचर हैं जो कि लेक्चर देंगे, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है। तो आप जिस भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो 2 कोर्सेज आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। 2 से ज़्यादा कोर्सेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप तीसरे कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्लाइड आ जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि सॉरी भाई, सिर्फ 2 में ही अप्लाई करें, ठीक है। तो आपने 2 में ही रहना है, 3 की तरफ नहीं बढ़ना, 3 में आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। अभी आपने क्या करना है, ये नीचे सेव लिखा है, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको जो है वो सेव करेंगे, ऊपर की तरफ आपको रेड पट्टी नज़र आ रही है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन तो सेंड कर दें, उसके बाद ये प्रोसेस करें, ठीक है। जैसे ही आप रेड पट्टी के अंदर लिखे हुए क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप होम पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपनी डिटेल फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन मांगी जाएगी। अगर आप करना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं करना चाह रहे हैं तो ये बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं फिल 4 कर देता हूँ। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये स्लाइड हमारे सामने ओपन होगी। यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम वेरीफाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक OTP हमारे दिए गए मोबाइल नंबर के ऊपर चला जाएगा जो कि इस तरह से होगा। इसको आपने कॉपी करना या लिख लेना है। लिखने के बाद आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। उसके बाद होम पेज पर दोबारा आ गए हैं। दोबारा से आपने इनरोलमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी मर्ज़ी के 2 कोर्सेज को दोबारा सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको स्लाइड नज़र आएगी, आपने ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने दोबारा रेड पट्टी आ गई है जिसके अंदर आपको बताया जा रहा है कि भाई आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, एक कोर्स हमारी मर्ज़ी का आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फ्री लांसर का, ठीक है। तो यहाँ पर फ्री लांसर सेलेक्ट करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्लाइड आएगी, तो ओके के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। तो हमारे कोर्सेज जो है वो सबमिट हो चुके हैं, सेव हो चुके हैं। होम पेज पर जाकर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर आपको ये दोनों कोर्सेज नज़र आ जाएंगे। तो गाइज़, ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि एक नए अप्लाई करने वाले को फेस करनी पड़ती हैं। इससे पहले मैं जो है पिछले 6 बैच के अंदर जो है वो 2 कोर्सेज कर चुका हूं, जिसमें ये फ्रीलांसर और वीडियो एडिटिंग है। इस दफ़ा मैं जो है वो इसमें अप्लाई नहीं करने वाला हूं, क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे मेरा रिज़ल्ट जो है वो 100/100 ही था। चले मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये माई रिज़ल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देख लें, 100/100 है, ठीक है, कम्प्लीट है, ये देख लें, ठीक है। तो कंप्लीट मेरे नंबर आए थे। तो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कोर्सेज लाजमी करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।